करनाल में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत मीरा घाटी से नवल्टी रोड के सौंदर्यकरण एवं पुनः निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया गया। करनाल से सांसद संजय भाटिया ने किया शुभारंभ। सांसद संजय भाटिया ने कहा कि लगभग 2.25 करोड़ रुपए की लागत से इस रोड को बनाया जाएगा। जिस तरह से स्मार्ट सिटी की रोड होनी चाहिए उस तरह का रोड बनाया जाएगा। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की हार पर बोलते हुए संजय भाटिया ने कहा, दिल्ली की प्रदेश की टीम ने हार के बाद समीक्षा बैठक की होगी, मैं उस बैठक में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने उस प्रदर्शन को पहले से काफी सुधारा है। आज स्मार्ट सिटी में जो एक स्मार्ट रोड का शुभारंभ आज ये जो हुआ है, हम सब साथी कार्यकर्ता और कमिश्नर यहाँ पर थे। मैंने सारे प्रोजेक्ट को देखा है, लगभग 2.25 करोड़ की लागत से, 2.12 करोड़ की लागत से ये बनने वाला है, और जिसको वाकई में ही कहेंगे एक सैंपल रोड होगी कि स्मार्ट सिटी में किस प्रकार की सड़कें होनी चाहिए, उसी प्लान के साथ उन्होंने इसको किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एक अच्छी शुरुआत है और स्मार्ट सिटी की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और पूरा सिटी स्मार्ट होगा, इसके लिए हम प्रयास करें। समीक्षा बैठक दिल्ली की प्रदेश टीम ने करी होगी, मैं तो उस समीक्षा बैठक में नहीं था। मैं दिल्ली कैंट की एक विधानसभा के अंदर था, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदर्शन को सुधारा है। बहुत ज़्यादा सीटें, 1-1 हज़ार और 1 हज़ार से कम और लगभग 2 हज़ार के मार्जिन से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आ रही है, नेक टू नेक फाइट रही है। लेकिन एक विडंबना कह लीजिए, और राजनीति में आज लोगों ने बीजेपी वर्सेस आल होकर दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ा। कांग्रेस का तो सारा समर्थन ही आप पार्टी को चला गया था, अन्य दलों ने भी आप पार्टी को समर्थन किया ये चुनाव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदर्शन बहुत बेहतर किया, पहले से बेहतर किया। करनाल से राजीव की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।